देखिए, इस पर ये क्वेश्चन बहुत पहले से चला रहा है और कई चीज़ें पढ़ी हैं इसके बारे में मैंने। मैंने भी फिर सोचा है बहुत, लेकिन देखिए इसका जवाब सिर्फ ये है कि हम अपने लिमिटेशंस को माने, और कोई जवाब इसका नहीं। इंसान देखिए, जो इंसान सूरज को देख नहीं सकता, सूरज देखे तो हमारी आंख चली जाएगी, जो इंसान 95% स्पेस के स्टफ जो है, जो मास है, उसको नहीं देख सकता, सिर्फ 4% को देख पाता है, जो इंसान ग्रेविटी को नहीं देख सकता। न्यूटन ने कहा था कि जमीन में ग्रेविटी है, लेकिन आज तक ये आपने समझे कि सेटल क्वेश्चन है, अभी तक ये सब बात जारी है। ऐसी बिलियन बिलियन चीजें हम देख नहीं सकते, हम जान नहीं सकते, तो आप बताइए कि खुदा को हम कैसे कॉम्प्रहेंड कर सकते हैं। जो लोग ये सवाल करते हैं वो, मैं सोचता हूँ कि दूसरे लोग ये कह रहे हैं कि मेरी कैपेसिटी इतनी ज़्यादा है कि मैं खुदा को कॉम्प्रहेंड कर सकता हूँ, खुदा को अपनी गिरफ्त में ले सकता हूँ, हालांकि इम्पॉसिबल है। इसका बेस्ट जवाब यही है जो कुरान में है, वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला, तुमको इल्म दिया गया है थोड़ा, वमा ऊती तुम मिनल इल्म इल्ला कलीला। देखिए, साइंस ने पहली बार ये इतराफ किया है कि साइंस गिव्स अस बट ए पार्शियल नॉलेज ऑफ रियलिटी। साइंस का मानना क्या है, इंसान की जो कैपेसिटी है ऑब्जर्व करने की, वो इतनी है कि हम थोड़ी सी बात जान पाए। साइंस इस्तेमाल करती है हमारी अपनी कैपेसिटी को ऑब्जर्व करने की, एक्सपेरिमेंट करने की जो कैपेसिटी हमारे अंदर है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी चीज़ इस्टेब्लिश हुई है साइंस के जरिए से। एक किताब है लिमिटेशंस ऑफ साइंस, उसी का एक सेंटेंस है, सुलिवन की किताब है जो खुद भी एक साइंटिस्ट था, कि साइंस गिव्स अस बट ए पार्शियल नॉलेज ऑफ रियलिटी। ये एक की बात नहीं, सारे साइंटिफिक कम्युनिटी की बात है। अब ये चीज़ पहली बार इल्मी तौर पर इस्टेब्लिश हुई है कि हम अपने तरीके से, जो हमारे पास सेंसेस हैं, जो हमारे पास तरीके हैं, उससे हम सिर्फ पार्शियल नॉलेज तक ही पहुंच सकते हैं। तो आप गौर कर दिए कि जब क्रिएचर का ये मामला ये है कि जो क्रिएचर का मामला ये है, जो क्रिएटेड स्टफ है, जो क्रिएचर है, उसको भी मैं बहुत ही पार्शियल वे में देख पाता हूँ, जान पाता हूँ, समझ पाता हूँ, तो क्रिएटर को मैं कैसे कॉम्प्रिहेंड कर लूंगा, नहीं कर सकता। तो मैं समझता हूं कि इस साइंस के इस डिस्कवरी को मानना कि साइंस गिव्स अस बट ए पार्शियल नॉलेज ऑफ रियलिटी, तो हम अभी उस स्टेज में हैं कि सिर्फ पार्शियल नॉलेज तक पहुंच पाए, तो टोटल नॉलेज कैसे हम जान लेंगे बताइए। ये सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट जो है हमें यहाँ तक पहुँचा पाया है कि हम पार्शियल नॉलेज तक पहुँच सकते हैं। हम ये दावा करें कि हमें टोटल नॉलेज दो, ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसा सवाल है जो सही नहीं है।